हेलो दोस्तों, मैं इला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बोगनविला की। जनवरी का आखिरी सप्ताह है और मौसम थोड़ा बदलने लग गया है, थोड़ी सी ऊष्मा वातावरण में होने लग गई है, टेम्परेचर थोड़ा राइज करने लग गया है। तो आइए हम देखते हैं कि अब हमें अपने बोगनविला में क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि बोगनविला जाड़ों में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, इसमें फूल नहीं आते हैं और पत्तियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब झड़ जाती हैं, मोस्टली स्टेम्स रह जाती हैं। और ये वाला देखिए, इसमें फूल आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं हमें करना क्या है, और इसके लिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका भी बोगनविला अब इस तरह से कलियां देने लग जाए। प्रत्येक ब्रांच में देखिए किस कदर कलियां भर भर के आ रही हैं, तो आपका भी पौधा कैसे देगा इतने अच्छे फूल। इसके लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक है। तो मैं कह रही थी कि जाड़ों में इसकी जो टहनियां हैं, ये थोड़ी ग्रोथ जो है वो हो जाती है। तो सबसे पहली बात है, हमें बहुत थोड़ी सी हल्की सी इसकी प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। प्रूनिंग करने से हमारा गमला जो है थोड़ा शेप में आ जाता है, पौधा शेप में आ जाता है, जिससे कि वो देखने में सुंदर लगता है। ये नहीं कि एक टहनी, ये देखिए यहाँ से लेके ये टहनी कितनी लंबी जा रही है और बाकी टहनियाँ इस लेवल पे हैं, ये इस लेवल पे हैं। तो हमको एक लेवल मेंटेन अगर हम कर लेते हैं अपने गमले का, पौधे का, तो खूबसूरती पौधे की दुगनी हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये लंबी पड़ती टहनी को यहाँ से काट लेंगे, और ये तो आपको पता ही है कि हमको ये नोड के ऊपर से काटना होता है। इसको भी काट लेते हैं इस तरह से, और फूल निकलने के बाद ये जो स्टड्स रह जाते हैं, इनको हमें ज़रूर काट देना चाहिए। ये वाली काटते हैं, देखिए ये भी थोड़ा सा लंबी जा रही है, तो इसको भी हम थोड़ा सा बहुत हल्की प्रूनिंग, सिर्फ अपना गमला जो है पौधा वो शेप में लाने के लिए हम इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर लेते हैं इस तरह से। और कोई टहनी मुझे ऐसी दिख नहीं रही है जो ख़राब हो, ये वाली देखते हैं। ये हाँ, ये देखिए, ये वाली जो है ना, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। ये अब इसको भी थोड़ा सा मैं काट दूँगी। अब हमारा जो पौधा है वो एक बेहतर शेप में नज़र आ रहा है। आप जो ये वाले हैं, इनमें फूल निकल चुके हैं, इनको भी अगर आप निकालते रहेंगे फूल निकलने के बाद में, विदर अवे होने के बाद में, तो आप अधिक अच्छे फूल पाएंगे। जैसे देखिए ये वाली है ना, इसको आप यहाँ से ही काट दीजिए। कमज़ोर ब्रांच है, कमज़ोर ब्रांच में फूल भी अच्छे नहीं आएंगे। इनको सबको आप, ये देखिए ये ऊपर की शाखा है, तो इसको भी हम हटा देंगे, जिससे कि फूल आने में हमारे पौधे को कोई दिक्कत ना हो। ये इस तरीके से हम अपने पौधे की अच्छे से बहुत हल्की सी प्रूनिंग कर लेंगे जितनी ज़रूरत है। अब ये देखिए पौधे का शेप निकल के आ गया है, अच्छा लग रहा है पौधा देखने में। ये अब नीचे आते हैं तो देखते हैं हम कि यहाँ पे खरपतवार बहुत सारा जमा हो गया है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं किया था जाड़ों में, हमने सिर्फ ज़रूरत भर का पानी दिया था। वैसे भी आपको पता है कि बोगनविला में ज़्यादा पानी हम नहीं देते हैं। तो अब हम इसकी करते हैं हल्की सी गुड़ाई, और ये सब जो खरपतवार हैं इनको हम निकाल देंगे, सारे खरपतवार जो हैं उनको हम निकाल देंगे। देखिए अब हमने इसकी गुड़ाई कर दी है, और इसमें थोड़ी अभी भी नमी बनी हुई है, हालांकि पानी नहीं डलता है, बट स्टिल ओस काफ़ी गिर रही है, और मॉइस्चर एयर में इतना है, धूप निकल नहीं रही है, तो काफ़ी पानी इसमें बना हुआ है।
अब पानी नहीं बना है, सॉरी नमी बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये है बोन मील, ये नीम खली, आपकी होममेड वो जो किचन वेस्ट से हम खाद बनाते हैं वो कंपोस्ट, और ये है डीएपी। अब हमें, क्योंकि ये दोस्तों एक ये 10 इंच का गमला है, तो इसमें हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी, ये इतनी 2 चम्मच करीब, बस इसमें खाद डाल देनी है इस तरह से रिम के पास पास बिल्कुल चारों तरफ। ये अब हम डालेंगे इसमें उतनी ही नीम खली। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो आप उसमें एक मुट्ठी खाद भी ये डाल सकते हैं। ये डाल दी आपने, इसको मिक्स कर दिया इस तरह से। और ये बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा दोस्तों कि तने के पास आप कभी भी यहाँ पे जड़, यहाँ तने के पास यहाँ पे बिल्कुल खाद कभी भी नहीं डालेंगे, हमेशा खाद जो है वो रिम के पास डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें ये कंपोस्ट एक मुट्ठी भर के इस तरह से, और अंत में हम डालेंगे थोड़ी सी ये डीएपी, बहुत थोड़ी सी, 4 दाने खाली, इतने से। केमिकल है तो नुकसान भी कर सकता है ये। और इस समय आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजनस हमें मेन्योर नहीं देनी है, उससे क्या होगा कि आपके पौधे में पत्तियां ज़्यादा निकल आएंगी, फॉलिएज ज़्यादा हो जाएगा और फूल कम निकलेंगे। ये देखिए अभी अभी इसमें एक भी पत्ती फूल कुछ नहीं है। तो जब आप इस तरह से खाद इसमें दे देंगे तो आपके पौधे में जो फूल निकलेंगे वो खूब भर के और अच्छे निकलेंगे। ये नए फुटाव आ रहे हैं, उस तरह से आपके गमले में भी ये नई कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ये इस तरह से आपके गमले में भी पौधे में खूब भर भर के नए पौधे, पत्ते और कलियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो अपने बोगनवेला का ख्याल करिए, हल्की सी प्रूनिंग करिए, थोड़ी सी मैन्योर डाल दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए, और आने वाले दिनों में फूलों की बहार एंजॉय करिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।